हेलो एवरीवन, ग्रेड सिक्स स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फोर एग्रीकल्चर। दिस चैप्टर आई हैव टेकन फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक। दिस इज पार्ट वन ऑफ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर, इट्स टाइप्स, फैक्टर्स एटसेट्रा। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड रीयरिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स To sustain life is called agriculture. Simple way में कहें तो crops को grow करना, animals को पालना, ताकि आपको food वगैरह और other things provide हो सकें जो कि आपकी life को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, that is known as agriculture. The history of agriculture dates back thousands of years. जो agriculture का इतिहास है वो कोई नया नहीं है, ये बहुत ही old है, बहुत ही पुराना है। Around 12,000 to 15,000 years ago, some groups of people made the transition from hunting and gathering to a settled life based on growing crops. आज से लगभग 12 से 15,000 साल पहले लोगों के झुंड ने, ग्रुप ने, अर्ली ह्यूमंस ने हंटिंग और गैदरिंग को छोड़ के अपनी लाइफ को सेटल्ड लाइफ बनाना चाहा, तो उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ये एकदम अचानक से ही हुआ था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स, आगे वाले कुछ हजार साल, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आगे वाले हजारों सालों तक एग्रीकल्चर का जो काम है वो अपने आप ही पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता चला गया। टुडे इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। आज ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन बन चुका है। Now we will discuss about the factors which influence agriculture. The factors are given below. First factor is soil. Soil यानी के मिट्टी। Soil type and its fertility also affects the type of crop grown in a region. जो soil की टाइप है, किस्म है, उसकी उपजाऊ शक्ति, वो भी किसी क्रॉप के ग्रो होने में अफेक्ट करती है। For example, rice grows well in a loamy clay soil, यानी कि cotton grows well in a black soil. Second factor influence agriculture is climate. It is the key factor in deciding the nature of crops grown in that area. तो अगर climate देखा जाए तो ये इसका main factor है जिसको देख के ये estimate लगाया जाता है कि किसी area में कौन सी grow होनी चाहिए. Crops like wheat need a cool dry growing period. जो wheat crop है, गेहूं की फसल है, उसको ग्रो करने के लिए कूल ड्राई ग्रोइंग पीरियड चाहिए। बट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इट नीड्स हॉट ड्राई सीजन। वाइल अदर क्रॉप्स लाइक राइस नीड अ हॉट वेट क्लाइमेट। सो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन के ऊपर। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द टेरेन। मीन्स हिली एरियाज आर बेटर फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफी क्रॉप्स। However, the plains are suitable for rice and cotton crops. What does it mean? यहाँ पे ये बताया गया है कि टी और कॉफ़ी अगर आपने ग्रो करनी है, इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको हिली एरिया ज़्यादा बेटर है। And the other hand, rice, cotton और wheat crops ग्रो करने के लिए आप हिली एरियाज को नहीं चूज कर सकते, you have to opt plain areas. तो ये नेचर है टेरेन का। टी और कॉफ़ी ग्रो करने के लिए आपको हिली एरियाज क्यों चाहिए? बिकॉज उनकी स्लोप्स के पानी लगातार नीचे आता रहे, पानी उनकी रूट्स में खड़े नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से दूरी कितनी नज़दीक होनी चाहिए किसी क्रॉप के लिए, और किसी क्रॉप के लिए कोई भी मार्केट कितनी दूर या नज़दीक होना चाहिए, ये भी फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। As farms producing perishable crops are usually located near cities and towns, जो perishable goods हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं। For example, जो milk है, milk products and dairy products हैं, बहुत ही जल्दी spill हो जाते हैं, तो उनके लिए markets का बहुत ही पास में होना, पास डिस्टेंस में होना बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। Because livestock rearing is another supporting farm intensive job. But on the other hand, non-perishable crops need not to be located close to their markets. Non-perishable crops, for example, cotton, wheat,
राइस, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, आप इनको लंबे टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, सो इट डजंट नीड टू लोकेटेड क्लोज टू देयर मार्केट्स. दिस इज पार्ट टू ऑफ द चैप्टर, सेम चैप्टर पार्ट टू. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर खेती बाड़ी की कितनी किस्में हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ एक टाइप्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट टाइप शिफ्टिंग फार्मिंग, एज यू कैन इमेजिन फ्रॉम द नेम, जैसे कि आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शिफ्ट हो जाना. इट इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन हैवीली फॉरेस्टेड रीजंस, ये बहुत ही घने जंगलों में किए जाने वाली प्रैक्टिस है. फार्मर्स प्रिपेयर द फील्ड बाय बर्निंग डाउन पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, फार्मर्स क्या करते हैं कि पीस ऑफ लैंड को, वहां के ट्रीज को स्लैश करके, कट डाउन करके, जला के एक पीस ऑफ लैंड क्लियर कर लेते हैं. दिस पैच ऑफ लैंड इज कल्टीवेटेड टिल इट स्टार्ट्स लॉसिंग इट्स फर्टाइलिटी, इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, पैच ऑफ लैंड के ऊपर फार्मर्स तब तक कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स ग्रोन करते हैं जब तक उसकी सॉइल की फर्टाइलिटी कम नहीं हो जाती. सो आफ्टर दैट दे क्लियर अनदर पीस ऑफ लैंड. दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इस टाइप की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इट इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन. द अनदर नेम ऑफ द दिस मेथड इज फायर फैलो कल्टीवेशन, इस टाइप का दूसरा नाम फायर फैलो कल्टीवेशन भी है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसको झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड टाइप सबसिस्टेंस फार्मिंग, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, इस टाइप की फार्मिंग में जो पीस ऑफ लैंड है वो बहुत ही स्मॉल होता है, फार्म साइज वेरी स्मॉल. द फार्मर्स यूज सिंपल टूल्स, जो फार्मर्स हैं वुडन प्लो, सिकल एटसेट्रा यूज करते हैं. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज मिनिमल, यहाँ पे जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, HYB सीड्स यूज करना है, वो बहुत ही मिनिमल मीन्स लेस होता है. एज फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दीज, बिकॉज फार्मर्स बहुत ही पुअर है और उनको इन चीज़ों को परचेज करने के लिए मनी नहीं है. थर्ड टाइप इंटेंसिव फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्लॉट्स ऑफ लैंड आर स्मॉल, इस टाइप की फार्मिंग में भी सबसिस्टेंस फार्मिंग के जैसे जो प्लॉट्स हैं उनका साइज स्मॉल है, पीस ऑफ लैंड का साइज स्मॉल है. बट द फार्मर्स यूजेस हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बट इस टाइप में फार्मर्स थोड़े से जागरूक हैं, उनके पास थोड़े बहुत वो अफोर्ड कर सकते हैं, दैट्स वाई दे परचेज हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. द सरप्लस प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट, जो उनके पास अपने डेली यूजेस के अलावा जो प्रोड्यूस बच जाती है, देन दे सोल्ड आउट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट. राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन बाय दिस मेथड. फोर्थ टाइप इज एक्सटेंसिव फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, इस टाइप की फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है, बिकॉज मेन फीचर ऑफ दिस फार्मिंग इज टू अर्न प्रॉफिट. बिकॉज लार्ज फार्म्स हेयर, यहाँ पे फार्म्स का साइज बहुत ही लार्ज है, दे यूज वेराइटी ऑफ मशीनरी, दे ऑल्सो यूज फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन, यहाँ पे वो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं और उनके पास मॉडर्न मेथड्स भी इरीगेशन के. सो क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल विद द पर्पज ऑफ सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट, यहाँ पे क्रॉप्स जो हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे उनके पास ग्रोन हो रही हैं और वो इनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट में सेल कर रहे हैं. दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन द USA, ब्राजील एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड चाइना. लास्ट एंड फिफ्थ टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कमर्शियल इन नेचर, इस टाइप की फार्मिंग को भी हम कमर्शियल की कैटेगरी में रखेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो ग्रोन फॉर अर्न प्रॉफिट्स. इन प्लांटेशन ओनली वन क्रॉप इज कल्टीवेटेड, जो प्लांटेशन फार्मिंग है वहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है. प्लांटेशन ओनर्स इन्वेस्ट अ ह्यूज कैपिटल, दे आल्सो रिक्वायर हाईली स्किल्ड लेबर,
कॉमन प्लांटेशन क्रॉप्स आर रबड़, कॉटन, टी, कॉफी, कोको, शुगर केन एंड ऑयल पाम्स. थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. इन पार्ट 3 वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.